नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद इमारतों के मलबे से शवों के निकलने का सिलसिला अब तक जारी है। इस भूकंप ने तुर्की के कई शहर खंडहर में तब्दील कर दिए। इस आपदा में जिंदा बचे हुए कई लोग बेघर हो गए। दोनों देशों में मलबे से अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया कि सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन बंद होने जा रहा है। न्यूज एजेंसी रूटर्स के मुताबिक तुर्की में बीते मंगलवार को मलबे से 9 लोगों को बचाया गया। अब रेस्क्यू उन लोगों पर केंद्रित किया जा रहा है जिनके पास इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में भोजन और रहने की व्यवस्था नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा है कि भूकंप के बाद अब हालात नियंत्रण में हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि भूकंप से मरने वालों की संख्या 35,418 हो गई। एर्दोगन ने आगे कहा कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग पहले से ही प्रभावित इलाकों को छोड़ चुके हैं और सैकड़ों इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। इसी बीच पाकिस्तान में सीरिया और तुर्की को लेकर विधवा विलाप जारी है। बात दरअसल ये है कि पूरी दुनिया तुर्की और सीरिया में अपने बेस्ट टीम को भेज रही है और खाना पानी, तंबू और टेंट जैसे सामान भेज रही है। इसके साथ ही साथ दवा, कंबल और डीजल से चलने वाले जनरेटर भी भेज रही है और दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष सीरिया और तुर्की के साथ सहानुभूति जता रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पीएम तुर्की की सैर करना चाहते हैं। इसी को लेकर मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट किया जिसकी हवा तुर्की के पूर्व डिप्लोमेट ने निकाल दी है और दुनिया के सामने पाकिस्तान की इज्जत उतारते हुए कहा है कि यहां आने की जरूरत नहीं है बल्कि अपनी टीम और पैसे भेज दो। आप जानते हैं कि जिस पीएम को चलने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं, वो क्या टीम और क्या पैसे भेजेगा। फिर क्या था, इंटरनेशनल बेइज्जती होने के बाद पूरे पाकिस्तान की इज्जत उतर गई और फिर राजनीति शुरू हो गई। उसी कड़ी में पूर्व राजदूत और विदेशी मामलों के जानकार अब्दुल बासित ने शहबाज को लेकर बड़ी बात बोली। पाकिस्तान को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए कि मुल्क के लिए शर्मिंदगी का विषय बन जाए। अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तानी भी हुकूमत के इस कदम पर मजाक उड़ा रहे हैं। पहले तो आपने तुर्की की ओर से सहमति के बिना यात्रा का अनाउंस कर दिया। सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का विषय बन जाए। उन्होंने आगे कहा, मैं समझता हूं कि इस मौके पर वजीर आजम को तुर्की जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा पहली बार हुआ हो। 1999 में पाकिस्तान के साथ ऐसी ही घटना घट चुकी है। उस वक्त भी तुर्की में भीषण आपदा आई हुई थी। उस वक्त भी तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वहां जाने की कोशिश की थी। बाद में राजदूत और विदेश मंत्रालय ने उनसे अनुरोध किया था कि वो अभी नहीं आए। उसके बाद शहबाज शरीफ करीब 1 हफ्ते बाद तुर्की के दौरे पर पहुंचे थे। वहीं तुर्की की तरफ से पाकिस्तान के अपमान पर कही गई इस बात को लेकर शहबाज शरीफ की अपमान से जोड़ा गया है और पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने अपने बयान में कहा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपमान किया, लेकिन तुर्की इस वक्त और क्या ही कहता, इसको लेकर तूफान आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शहबाज शरीफ की दुनिया और फिर खुद पाकिस्तान में इज्जत उतर रही है और कैसे दुनिया में उनकी बेइज्जती हो रही है। फिलहाल तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया है, उसके लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।